प्रदेश में नीट को लेकर घमासान जारी है। छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग टीचर्स में जबरदस्त आक्रोश है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सियासत भी जमकर हो रही है। सरकार पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। वहीं एनटीए सवालों के कटघरे में खड़ा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसे देखना जरूरी है। अगर 0.001% भी खामी पाई गई तो कड़ा एक्शन लेंगे। छात्रों की शिकायत नजरअंदाज न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी याचिकाओं पर भी एनटीए को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट पर सियासी संग्राम भी बढ़ता जा रहा है। कल आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, छात्रों के हक में आवाज बुलंद की, तो उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोलने तैयार नहीं है। बोले आज न्यूज आइके में मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी, मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करो, 24 लाख बच्चों की मन की बात करो। आप अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे।